गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जंबुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। भक्त जनों, प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश माँ गौरा के लाडले भगवान शिव जी की आंखों के तारे, इन्हें जब जब जिस जिस स्वरूप में भक्तों ने पुकारा है, देवा ने अवतार धारण कर उनके कष्टों को उबारा है। भक्तों, इनके जन्म की गाथा अत्यंत रोचक एवं सुहानी है, जो वेद पुराणों ने बखानी है। आइए आज मैं आपको भगवान देव गजानन के पावन जन्म की गाथा संगीत में रूप में सुनाने जा रहा हूँ, जिससे सुनने मात्र से ही आपके जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा। आप जीवन में समस्त सुख भोग कर अंततः वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। तो एक बार मेरे साथ देव गजानन के चरणों का ध्यान लगाते हुए बड़ी प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। जब जब देवों पे विपदाएं, जब जब देवों पे विपदाएं, गणपत की वो शरण में आए। अलग अलग रूपों में आकर देवों की वो लाज बचाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गजमुख रूप चतुर्भुज प्यारा, माथे स्वर्ण का मुकुट है धारा। भक्त जनों, इससे पहले कि मैं इनके जन्म की पावन गाथा सुनाऊं, इनके पावन स्वरूप के विषय में आपको बताता हूं। भगवान श्री गणेश जी का पावन गजमुख है, वक्र तुंड है, भारी शरीर है, सिर पर सोने का मुकुट सजा हुआ है, चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण किए हुए गजनाथ जब भक्तों को दर्शन देते हैं, तो भक्तजन उनके पावन स्वरूप को देखकर कृतार्थ हो जाते हैं। शिवगण उनकी आरती उतारते हैं, रिद्धि सिद्धि उन्हें चवर ढुराती हैं, माँ गौरा मोदक का भोग बनाकर उनकी आरती चालीसा गाती हैं, और देव गजानन इन सब पर और पूरी सृष्टि पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। गजमुख रूप चतुर्भुज प्यारा, माथे स्वर्ण का मुकुट है धारा। पीतांबर के आप हो धारी, सारे जग के तुम उपकारी। गौरी नंदन के चरणों में आ भक्तों शीश नवाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। अद्भुत इनकी जन्म कहानी, वेद पुराणों ने है बखानी। भक्तों, देव गजानन श्री गणेश जी की जन्म की गाथा अत्यंत रोचक एवं प्रेरणादायक है, जो वेद पुराणों ने समय समय पर अलग अलग भाषाओं स्वरूपों में बखानी है, जिसे सुनकर सभी भक्त आनंदित होते हैं
और पुण्य के फल प्राप्त करते हैं, तो इस कलयुग में भी हमें भगवान श्री गणेश जी ने यह अवसर दिया है कि हम उनके जन्म की गाथा का पठन श्रवण एवं गायन करें और अपने जन्म जन्म के पापों का समूल विनाश करें। तो प्रभु के चरणों का पावन ध्यान करते हुए आइए सुनते हैं इनके जन्म की पावन कथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। अद्भुत इनकी जन्म कहानी, वेद पुराणों ने है बखानी। आओ भक्तों तुमको सुनाए, कैसे प्रथम पूज्य कहलाए। ऋषि मुनि ने जो है बखानी, हम भी सुन कर भाग जगाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। एक दिन शिव जी ध्यान लगाए, गौरा स्नान करन को जाए। एक दिन की बात है भक्तों, भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में मग्न थे। शिवगण भी भगवान भोलेनाथ के जागने की प्रतीक्षा कर उनकी पूजा की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में गौरा के मन में आया कि क्यों न मैं स्नान करके आ जाऊं, अपनी दोनों सखियों जया और विजया को अपने पास बुलाया और संग चलने को कहा। नंदी को यह संदेश दे दिया कि हे नंदी, यदि मेरे पीछे भोलेनाथ तप से उठ जाए तो उन्हें बता देना कि मैं स्नान करने स्नानागृह को गई हुई हूँ। यह कहकर अपनी दोनों सखियों के साथ माता पार्वती स्नान गृह की ओर चल दी। आपस में तीनों बातें करती हुई जा रही थी, परंतु आगे क्या लीला होने वाली है भक्तों, ये तो केवल भगवान ही जानते हैं। हम तो मात्र श्रोता हैं, उनके पुजारी हैं, तो उनकी लीला भला कैसे जान पाएंगे। एक दिन शिव जी ध्यान लगाए, गौरा स्नान करन को जाए। जया विजया को संग मिलीना, नंदी को संदेशा दीना। जब शिव जी की तंद्रा टूटे, देना ये संदेश सुनाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। स्नानागृह में तीनों आई, गौरा के तन उबटन लाई। तीनों स्नानागृह में आ गई भक्तों। दोनों सखियों ने पावन उबटन माँ गौरा के शरीर पर लगाया कि तभी जया और विजया के मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। गौरा के पूछने पर जया बताती है, हे सखी, हम तीनों तो स्नानागृह के अंदर हैं, परंतु स्नानागृह के द्वार पर तो कोई भी प्रहरी नहीं बैठा हुआ। क्या हो यदि कोई अनजान स्नानागृह के अंदर आ जाए तो कितना भारी अनर्थ हो जाएगा। विजया ने भी जया की बात का समर्थन किया। गौरा ने भी इस बात पर विचार किया और तीनों ये सोचने लगी कि अब कैलाश से भला किसको बुलाया जाए जिसे प्रहरी बनाकर स्नानागृह के द्वार पर बिठाया जाए। अब तीनों अपने मन में ये प्रश्न लेकर सोचने लगी। स्नानागृह वो तीनों आई, गौरा के तन उबटन बोलाई। जया विजया के मन में आई, द्वार पे पहराना वो बिठाई। क्या अनर्थ हो जाए सकरी,
कोई अगर भीतर आ जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। गोरा माँ ने सोचा बिचारा, फिर अपने उबटन को तारा। तभी गौरा के मन में एक विचार आया भक्तों, उन्होंने अपने तन पे लगे हुए उबटन को तुरंत उतार दिया और उस उबटन को मानव आकृति में बदल दिया। प्राण मंत्र पढ़ा और उस उबटन के मानव रूपी पुतले में प्राण भर दिए। तत्काल प्रभाव से उबटन का वो पुतला एक हष्टपुष्ट बालक में बदल गया। माता के चरणों में प्रणाम किया। गौरा माँ ने उनके हाथ में दंड देकर यह आदेश सुनाया कि हे बालक, इसी समय जाओ और स्नानागृह के द्वार पर जाकर पहरा दो। ध्यान रहे, कोई भी मेरी आज्ञा के बिना इस स्नानागृह में प्रवेश न कर पाए। गौरा माँ ने सोचा बिचारा, फिर अपने उबटन को तारा। मानव का आकार था दीना, प्राण मंत्र पढ़ जीवित कीना। एक ही पल में वो पुतला तो हष्ट पुष्ट बालक बन जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। जाओ बालक द्वार पे बैठो, कोई न आए भीतर देखो। बालक को आज्ञा दी गौरा माँ ने, जाओ बालक द्वार पर बैठो, ध्यान रहे कोई भीतर ना आने पाए। और उधर भगवान शिव का तप भंग हो गया भक्तों। नंदी ने बताया माँ गौरा तो स्नान करने गई है। तब भगवान शिव ने सोचा कि गौरा से चलकर स्नानागृह में ही मिल लिया जाए। यह सोचकर वो स्नानागृह की ओर आए तो देखते क्या है कि द्वार पर एक बालक बैठा हुआ है। बालक से कहा, हे बालक हट जाओ, हम भीतर जाते हैं, हम गौरा के स्वामी हैं। परंतु बालक को तो आज्ञा थी कि कोई भीतर नहीं जाएगा, इसलिए बिना सोचे समझे कि भगवान शिव कौन हैं, क्या हैं, वो बालक उन्हें भीतर जाने से रोकने लगा। जाओ बालक द्वार पे बैठो, कोई न आए भीतर देखो। बालक द्वार पे जाकर बैठा, शिव जी ने उसको द्वार पे देखा। हट जाओ मारग से बालक, हम गौरा से मिलने को जाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। बालक ने शिव जी को रोका, भीतर जाने से था टोका। जब बालक ने भगवान शिव को भीतर जाने से रोका तो भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोध में आए। पहले तो बालक को बहुत समझाया, परंतु जब न माना तो वो बालक संग युद्ध करने लगे। कहां त्रिपुरारी भोले भंडारी और कहां वो नन्हा सा बालक, भला उनके आगे क्या टिक सकता था। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया और खींचकर जब उस बालक पर मारा तो बालक का शीश कटकर आकाश में उड़ गया और बालक का शरीर मृत होकर
धरती पर गिर गया। चारों ओर हो हल्ला मचने लगा। शोर सुनकर जब माँ गौरा बाहर आई तो बालक को मृत देखा। जब सारा माजरा समझ में आया तो माँ फूट फूट कर रोने लगी और रुदन करते करते क्रोधित होकर अपना विकराल रूप धारण करने लगी। यह देखकर तीनों लोग थर थर कांपने लगे थे भक्तों। बालक ने शिव जी को रोका, भीतर जाने से था टोका। शिव जी सुनकर क्रोध में आए, मार त्रिशूल वो शीश उड़ाए। शोर सुना तो राम आई, बालक मृत देखा चकराए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। मेरे पुत्र को जीवित करना, सृष्टि नष्ट करूंगी वरना। भयंकर रुदन मचाते हुए विकराल रूप धारण कर माँ गौरा क्रोधित स्वर में शिवजी से बोली, हे स्वामी, मेरे पुत्र को तत्काल जीवित कीजिए, अन्यथा मेरे क्रोध के आगे आज ये सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। भक्तों, देवी देवता, पशु पक्षी, मानव दानव सभी भगवान शिव के चरणों में आ गए और माँ गौरा के क्रोध से बचने हेतु उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने एक उपाय सोचा, तत्काल भगवान विष्णु जी बुलवाए और उनसे गज का शीश मंगवाया। भगवान भोलेनाथ ने वही गज का शीश बालक के धड़ से जोड़कर प्राण मंत्र पढ़कर बालक को पुनः जीवित कर दिया। माँ गौरा ने अपने पुत्र को देखा तो अपने पावन स्वरूप में लौट आई। तीनों लोक में बालक की, भगवान शिव की और माँ पार्वती की जय जयकार होने लगी। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें सभी गणों का ईश बनाते हुए उनका नामकरण भगवान गणेश के नाम से किया। तीनों लोकों में हो रही है भगवान गणेश की जय जयकार। मेरे पुत्र को जीवित करना, सृष्टि नष्ट करूंगी वरना। शिव जी ने विष्णु बुलवाए, गज का उनसे शीश मंगाए। गज का शीश लगा बालक को, शिव शंकर जीवित करवाए। पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। ब्रह्मा जब दर्शन को आए, वेदों का फिर ज्ञान सिखाए। सभी देवी देवता, मानव दानव, किन्नर सभी भगवान गणेश के दर्शन करने हेतु वहां पर आने लगे थे। भक्त, जब ब्रह्मा जी आए तो भेंट स्वरूप उन्होंने समस्त वेदों का ज्ञान भगवान गणेश को प्रदान किया। श्री विष्णु जी ने अपने चक्र, सुदर्शन, शंख और गदा की शक्तियां भगवान गणेश को प्रदान की। ऐसे ही भगवान इंद्र ने ऐरावत और वज्र की शक्ति, अग्नि ने अपना तेज, वायु ने अपना वेग, मेघों ने अपनी वर्षा, सभी ने अपनी अपनी शक्तियों से श्री गणेश जी को सुसज्जित किया और भगवान भोलेनाथ ने अपनी गोद में बिठाकर उन्हें लाड लड़ाते हुए उन्हें इस समस्त सृष्टि में प्रथम पूजनीय बना दिया। भक्तों, और वरदान दिया कि आज से यह संसार सबसे पहले आपका नाम लेगा, सबसे पहले आपकी पूजा करेगा। आपके पावन नाम के बिना संसार का कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं हो पाएगा।
ब्रह्मा जब दर्शन को आए, वेदों का सब ज्ञान सिखाए, विष्णु ने चक्र सुदर्शन दीना, सूर्य का तेज गणेश ने लीना, शिव शंकर ने गणपति जी को प्रथम पूज्य दीने बनवाए, पावन गाथा तुमको सुनाए, पावन गाथा तुमको सुनाए। तब से इनको पहले मनाते, पहले इनके नाम को ध्याते, तब से ही भक्तों गजानन देव गणेश को सबसे पहले ध्याते हैं, सबसे पहले इनके नाम को गाते हैं। कोई भी पूजा जप तप यज्ञ इनके नाम के बिना आरंभ नहीं हो पाता है। भगवान शिव के वरदान के अनुसार प्रथम पूजनीय गणेश अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, परंतु हर स्वरूप हर नाम केवल भक्तों का उद्धार करता है। रिद्धि सिद्धि जिन्हें चमर ढुराती हैं, शिवगण जिनकी आरती चालीसा गाते हैं, माँ गौरा जिनको भोग में मोदक प्रदान करती हैं, ऐसे देव गजानन के चरणों का ध्यान करते हुए आइए उनके नाम की जय जयकार करते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की। तब से इनको पहले मनाते, पहले इनका नाम है ध्याते, मोदक का इन्हें भोग लगाते, मोक्ष परम पद इनसे पाते, आओ भक्तों श्री गणपत को चंदन का हम तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए, आओ चंदन तिलक लगाए। हम आज तुम्हें श्री गणनायक की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, श्री गौरी पुत्र गणेश के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, परशुराम जी शिव दर्शन की किए थे तैयारी, गंगा जल को हाथ में लेके चले थे अवतारी, श्रद्धा से शिव पूजन को वो जा पहुँचे कैलाश, शिव दर्शन ना होने पाया पहुँच न पाए पास, परशुराम से बोले गजानन वहीं पे रुक जाओ, आगे नहीं जा सकते अपना परिचय बतलाओ, लीन समाधि में शिव जी है वापस तुम जाओ, शंकर जी की समाधि को ना भंग तुम करवाओ। परशुराम सुनकर बातें गुस्से में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, परशुराम जी चेहरा हो गया लाल,
गुस्से में बोले गणेश तुम हट जाओ तत्काल, उठा जो परसा मेरा तो ये बनेगा तेरा काल। करना बातें बड़ी बड़ी तू वाणी को संभाल, शिव आराध्य है मेरे मुझको रोक न पाओगे, अगर राह रोके जो मेरी मारे जाओगे। मानो मेरी बात नहीं तो तुम पछताओगे, मेरे वार से बालक तुम बच नहीं पाओगे। तब चेतावनी गणेश को परशुराम सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। को देख परशुराम करने लगे विचार, इस बालक के साथ मैं आखिर कैसा करूं व्यवहार। हठी है पर बालक है वो कुछ समझ न पाते हैं, वार करने से पहले मन ही मन सकुचाते हैं। परशुराम की शक्ति से गणनायक थे अनजान, कौन है परशुराम नहीं थी उनको ये पहचान। बोले गणेश की त्रिपुरारी का मैं हूँ पहरेदार, मुझसे लड़कर हे सन्यासी पाएगा ना पार। शिव भक्तों पे कभी नहीं हम शस्त्र चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। परशुराम के गुस्से का तब वेग हुआ प्रचंड, बोले हठी बालक सुन ले अब दूंगा तुझको दंड। उलझ गए वो श्री गणेश से युद्ध हुआ भारी, परशुराम से लड़ बैठे मुद मंगलमय कारी। युद्ध हुआ अति भीषण तब मच गया हाहाकार, होनी तो हो के रहती कोई सकता नहीं हटा। दोनों वीर योद्धा ना माने एक दूजे से हार, युद्ध में टूटा दांत गणेश का करने लगे चित्कार। गिरिजा सुत रक्षा हेतु गिरिजा को बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय गणपति महाराज, मेरे पूर्ण करो सब काज। जय जय गणपति महाराज, मेरे पूर्ण करो सब काज। रक्षा करो हे माँ मेरी, रहे श्री गणेश चिल्लाए। सुनी पुकार गणेश की माता गई क्रोध में आए, धरती कांपी अंबर कांपा कांपने लगा पताल। क्रोध के मारे पार्वती की आंखें हो गई लाल, परसाधारी परशुराम जी भय से गए थर्राए। क्रोधित माँ को कैसे मनाऊं कुछ भी समझ ना आए। परशुराम ने चरणों पे गिर के माँ को किया प्रणाम, चूक क्षमा कर दो हे माँ बोले हैं परशुराम। अश्रुपूर्ण आँखों से विनय कर माँ को मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक दंत नाम पढ़ कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शांत हुआ पार्वती का, पार्वती घबराई, हाथ जोड़ के परशुराम ने सारी बात बताई। बोले गलती हुई है माते क्षमा कदी जो दान,
लिए बहुत है मुझको भी तो आपकी ये संतान। मैं ना जाना प्यारे पुत्र है आपके श्री गणेश, वरना मेरे मन में ना था कोई राग और द्वेष। फिर भी गलती हुई है मुझको करता हूँ स्वीकार, करो माफ है पार्वती माया आपके द्वार। परशुराम जी गलती पर बहुत पछताते हैं, अश्रु धार बहाते हैं, एक दंत नाम पड़ा कैसे सबको आज बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चतुर्थी का व्रत करे जो मन चित लाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो, भवसागर तर जाए गजानन, भवसागर तर जाए। अमृतवाणी गणेश की सुने जो सुबह हो शाम, अमृतवाणी गणेश की सुने जो सुबह हो शाम, उस पे कृपा बरसाते हैं प्रभु, बनते बिगड़े काम गजानन, बनते बिगड़े काम। मेरे गणपति ओ गण राजा, मेरे गणपति ओ गण राजा, मेरे गणपति ओ गण राजा, मेरे गणपति ओ गण राजा। सबसे पहले तुम्हें मैं मनाऊं, मंगल करता है विघ्न हरता, मंगल करता है विघ्न हरता, मंगल करता है विघ्न हरता, मंगल करता है विघ्न हरता। तेरे चरणों में जीवन बिताऊं, मेरे
मेरे गणपति ओ गणराजा। गौरी नंदन करूं तेरा वंदन, मैंने तन मन तुम्हीं पे है वारा। गौरी नंदन करूं तेरा वंदन, मैंने तन मन तुम्हीं पे है वारा। तुम्ही मंजिल गणेशा हमारी, और तुम ही हो देवा किनारा। मेरे बिगड़े काज संवारो, निश दिन मैं तुम्ही को ही ध्याऊं। मेरे गणपति ओ गणराजा। जय हो गणेश तेरे, जय हो गणेश। मस्तक पे है सिंदूर सोहे, देवा करते हैं मूषक सवारी। मस्तक पे है सिंदूर सोहे, देवा करते हैं मूषक सवारी। मन से ईर्ष्या और द्वेष मिटा दो, यही विनती है तुमसे हमारी। दुर्वा पान व फूल चढ़ाऊं, तुम्हें मोदक का भोग लगाऊं। मेरे गणपति ओ गणराजा। कृपा सिंधु विनायक गजानन, जाने कितने हैं नाम तुम्हारे। कृपा सिंधु विनायक गजानन, जाने कितने हैं नाम तुम्हारे। यही विनती है तुमसे ओ देवा, संकट सारे हर लो हमारे। विद्या बुद्धि और बल के दाता, मैं तो महिमा तुम्हारी ही गाऊं। मेरे गणपति ओ गणराजा, सबसे पहले तुम्हें मैं मनाऊं।
मंगल करता है विघ्न हरता, मंगल करता है विघ्न हरता, मंगल करता है विघ्न हरता, मंगल करता है विघ्न हरता। तेरे चरणों में जीवन बिताऊं,